अपने मऊ में भाई हुंडई का शोरूम खुल रहा है, आप लोगों को एक बार दर्शन करा दे रहा हूँ हुंडई के शोरूम का। कमेंट करके बताओ कौन कौन अपनी वरना भाई इसमें से बाइक करने वाला है। और ये एक मऊ में टॉप 10 डेवलप चीजों में से भी एक डेवलप चीज है, देख सकते हो यहाँ पे 56 भोग। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ भाई गाजीपुर तिराहा पे, जैसा की आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे अपने इंडिया का फ्लैग और वहाँ पे एक गोल सर्कल है। और भाई वहाँ पे देख सकते हो, नोटिस करोगे आप वहाँ पे एक प्रोजेक्टर बहुत। ऑल राइट, सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। सो गाइज फाइनली मैंने 1 मंथ बाद भाई कैमरा उठा ही लिया। सो गाइज आज का जो ब्लॉग होने वाला है भाई, आप लोग टाइटल और थंबनेल से तो देख ही लिए होंगे, लेकिन भाई जो बाप ब्लॉग होने वाला है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अपना मऊ आज एक्सप्लोर करने वाले गाइज। बिकॉज बहुत से लोग या 60% लोग, दो ब्रिज है तो दो ब्रिज है, एक लेफ्ट जाती है एक राइट जाती है एक लेफ्ट जाती है, तो ज़्यादातर लोग राइट वाले पे ही जाते हैं। लेफ्ट वाला पूरा एक्सप्लोर कोई भी नहीं किया और कोई पूरा जानता भी नहीं है हमारे मऊ में क्या क्या है। जो सिटी वाला एरिया है इधर बिल्डिंग्स वगैरह शोरूम्स वगैरह, बाय द वे बहुत सारे शोरूम्स हुंडई के भी शोरूम्स खुल रहे हैं हमारे मऊ में, तो भाई वही हम लोग और लेफ्ट वाली ब्रिज पर जाके पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। और आप लोग भाई वीडियो में पूरा बने रहना, बिकॉज आप लोगों को आज पता लग जाएगा भाई अपने मऊ में क्या क्या चीज़ें बन गई हैं। भाई बहुत ही शानदार होटल भी है हमारे, लग्जरी होटल है मऊ में, जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, कम से कम 10-15 शोरूम्स भी हैं, तो बिल्डिंग्स भी है और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो चलो चलते हैं वहीं पर जो लेफ़्ट और राइट ब्रिज जाती है, वहीं पर चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, बढ़ते हैं भाई। ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को मऊ सिटी में क्या क्या अवेलेबल हो गया भाई। तो गाइस जिस ब्रिजेस की मैं बात कर रहा था वो ब्रिज है, एक तो ये वाली ब्रिज चली जाती है जो लेफ्ट वाली है, और एक ये वाली जो राइट वाली। अगर टाउन में जाना है आप लोगों को, टाउन एक्सप्लोर करना है तो ये राइट वाली ब्रिज है, लेकिन हमें सिटी एक्सप्लोर करना है तो हम लोग ये लेफ्ट वाली ब्रिज लेके जाएंगे। और यहाँ पर बीच में पड़ता है भाई आई लव हमारा मऊ सेल्फी पॉइंट। ठीक है, तो भाई इसी दोनों ब्रिजेस की मैं बात कर रहा था, तो हमें जाना भाई सिटी में, मेन सिटी में, और लेफ्ट वाली ब्रिज पकड़ के। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ब्रिज भी आप लोगों को दिखा देते हैं, हमारे लिए ओल्ड है, ओल्ड लोगों के लिए ओल्ड नहीं है भाई। ठीक है, तो गाइस ये आ गया हमारा जो लेफ्ट वाला ब्रिज है, देख ही सकते हो आप लोग, ये बहुत ही जाना पहचाना ब्रिज है, कोई भी देखेगा अगर यहाँ का रहेगा मऊ शहर का तो वो जान जाएगा हाँ भाई ये मऊ की ही ब्रिज है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मऊ के एकदम एंड में, देख सकते हो आप लोग यहाँ से हम लोग आए हैं, और ये वाला रास्ता जो है कोपागंज चला जाएगा, कोपागंज होते हुए मतलब ये पूरा रास्ता गोरखपुर तक जा सकता है, और ये वाला चला जाएगा पूर्वांचल पे भी, हम लोग इसी तरह इधर ही से गए थे, और ये रास्ता भाई चला जाएगा तुम लोगों का गाजीपुर बनारस होते हुए आगे चला जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम आ गए मऊ के एंड में। अब भाई यहाँ से हमें शुरू करना है, यार क्या बाप बाप चीज़ें बन गई है मऊ में कसम से, मैं तो रास्ते में देख के इतना एक्साइटेड हूँ कि अभी एक्सप्लोर करना है सारा, आप लोगों को दिखाना है। तो चलो गाइज यहाँ से अब शुरू करते हैं, एंड से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंडिंग में भाई स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमें उतरना है और सारा एक्सप्लोर करना है, तो वहाँ पे मेरी बाइक लगी है, यू टर्न मारते हैं, उसके बाद भाई एक्सप्लोरिंग शुरू करते हैं यार। तो गाइज सबसे पहले वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने भाई ये आता है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, सबसे पहले भाई एंड से सबसे पहले यही वाला स्कूल आता है। सो भाई अंदर कहीं भी नहीं जाने वाले हम लोग, बस आप लोगों को ये दिखाएंगे कि यहाँ ये चीज़ हमारे मऊ में भाई अवेलेबल है, तो देख लो एक बार। सबसे पहले ये एक प्यारा सा स्कूल पड़ता है, जो कि आज संडे है तो छुट्टी है, बंद है। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो भाई सेकेंड नंबर पर हमारी मील, राशन वाली मील जो कि है, ये मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, अंदर तो नहीं जा सकते बिकॉज अंदर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगी, देख सकते हो कितना ट्रक लगा है इधर भी। तो भाई इस मील से हमें हमारे पूरे मऊ ज़िले में भाई राशन डिलीवर होता है, तभी हमारे दुकानों पे गेहूं चावल आटा सब मिल पाता है। यमहा का शोरूम एक ही है मऊ में, ठीक है, जो कि ये उधर से आओगे कोपागंज में तो लास्ट में ये वाला शोरूम जो है यमहा का पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं भाई आगे।
सो गाइज अब आगे हमारे सामने कार का शोरूम देख सकते हो जो कि क्लोज है, टाटा मोटर्स देख सकते हो। इसमें भाई कार रहती है, मतलब कार का ये शोरूम है। और इसके बगल में पता नहीं ऐसे पावर रेस करके कोई शोरूम है, ये देख सकते हो ये भी क्लोज है। ठीक है, ये भाई टाटा का शोरूम है, ये पता नहीं कौन सा शोरूम है। और भाई इसके बगल में जो शोरूम है जानते हो कौन सा है? हुंडई वरना का। अपने मऊ में भाई हुंडई का शोरूम खुल रहा है, आप लोगों को एक बार दर्शन करा दे रहा हूँ हुंडई के शोरूम का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे मऊ में हुंडई का शोरूम जो ओपन हो रहा है भाई। गेस करके बताओ, सॉरी कमेंट करके बताओ कौन कौन अपनी वरना भाई इसमें से बाई करने वाला है। एक बार चेक करें यार, आप लोगों को दिखा देता हूँ यार। ओ भाई साहब देख सकते हो यार, यार वो लोगो मुझे इतना प्यारा लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ हाँ, ये सर्विस एरिया रहेगा भाई, और ये भाई शोरूम, यहाँ पे कारें लगी रहेंगी, पता नहीं कौन सी जगह हुंडई वरना लगी रहेगी। यार हुंडई वरना का नाम सुनते ही यार, भाई देखिए इसको शोरूम को तो और देखने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ से चलते हैं भाई, बिकॉज़ हमें और ज़्यादा शूट करना है आगे। तो चलो गाइस हुंडई के शोरूम को टाटा बाय बाय कर दो, निकलते हैं भाई यहाँ से, बिकॉज़ हमें और भी शूट करना है। यार इस भैया की देखो बाइक अटक गई यार, देखो निकाल रहे हो भाई, कचड़े में फंस गई पता नहीं कैसे। यार मऊ में बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बन गई यार, यहाँ पे टाटा का शोरूम, पावर रेस का शोरूम, हुंडई वरना का शोरूम। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं भाई, और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। फिर भाई हुंडई के ठीक सामने ही यहाँ पे भाई देख सकते हो यहाँ पे ओला का शोरूम है, और ओला का यहाँ पे TVS का शोरूम है, उसके बगल में शायद बजाज का है। देख सकते हो TVS की बाइकें लाइन से लाइनअप लगी हुई है। TVS की बाइक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए भाई मैं ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग देख लो बस कि हमारे मऊ में यार वॉकिंग डिस्टेंस पे शोरूम है बाइक के, कार्स के इतने ज़्यादा। और ठीक वॉकिंग 10 कदम पे हमारा रॉयल इनफील्ड का भाई आता है, इसमें से भाई तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी लेने वाला है रॉयल इनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल। तो गाइस मैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में आ गया, इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे GT कॉन्टिनेंटल का यहाँ पे प्राइस पता करना था। यहाँ पे भाई लगी तो नहीं है, यहाँ पे हंटर वंटर लगी हुई है, क्लासिक लगी हुई है, लेकिन GT कॉन्टिनेंटल नहीं लगी हुई, बस मुझे प्राइस उसका पता करना था यहाँ पे। तो देखते हैं ये भैया बताएंगे भाई प्राइस, देख लेते हैं एक बार। तो गाइस मैंने रॉयल इनफील्ड का इसमें वो GT कॉन्टिनेंटल का प्राइस पता किया, यार बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है भाई, और बता रहे 4,86,000 रुपये के हैं, वो भी विदाउट एसेसरीज। विदाउट एसेसरीज अगर आप लोग लोगे तो GT कॉन्टिनेंटल 4,86,000 की पड़ेगी। खैर वो सब छोड़ो, शोरूम देखो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का, यहाँ पे एक शोरूम पता नहीं कौन सा, यहाँ पे TVS का, वहाँ पे ओला का। अब बढ़ते हैं भाई आगे, यहाँ पे बहुत सारे शोरूम हैं, आगे देखते हैं अब क्या देखने को मिलता है। लेट्स गो। सो गाइज अभी मैं जहाँ पे आ गया हूँ ना, ये कोई शोरूम नहीं है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है भाई, यहाँ पे व्हाइट हाउस है, देख सकते हो आप लोग। यार मैं अंदर से तो इसको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोग एक बार इमेजिन करो, ये कल्पनात राय के वक्त का उनका ही है, शायद उनका घर ही मान लो, लेकिन ये इतना खूबसूरत है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ। यार मैं जब भी आता हूँ ना सर्विस कराने अपने बाइक की, इसको देख के मेरी तबीयत खुश हो जाती है, कहता हूँ यार घर हो तो ऐसा ही हो, इतना ज़बरदस्त लगता है ना यार, कोई सामने से ऊँचा घर होता तो उसमें से देख लेते यार, बहुत ही प्यारा लगता है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, ये हमारे मऊ की भाई शान है जो कि कल्पनात राय की है, बहुत ही प्यारे पर्सन थे कल्पनात राय, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से देखो भाई दिख रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ से देख सकते हो, दिस इज़ अ वाइट हाउस ऑफ मऊ गाइज, बहुत ही शानदार है, कभी आना तो यहाँ पे देखना, ठीक है।
सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ भाई गाजीपुर तिराहा पे। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे अपने इंडिया का फ्लैग और वहाँ पे एक गोल सर्कल है। और भाई वहाँ पे देख सकते हो, नोटिस करोगे आप, वहाँ पे एक प्रोजेक्टर बहुत ही बड़ा लगा है, कम से कम 80 इंच का, 80x80 का लगा हुआ है। और भाई हमारे पीछे जो ये है, क्या बोलते हैं, गृहस्थ प्लाजा, हमारी इसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं भाई, एक बार देख लो। जो कि अब सिर्फ भाई शादी ब्याह के लिए ही खुला पड़ा है, बिकॉज़ पहले ये वो था, मतलब रेस्टोरेंट भी था, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आते थे, इसमें मैं पनीर का पकौड़ा खाता था और मैं अम्मी से बोलता था, यार अम्मी अंडा इतना बड़ा कब से होने लग गया। तो भाई बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वहाँ पे भी था एक, वो पेरिस प्लाजा था, लेकिन भाई देख सकते हो वो कुछ गवर्नमेंट इशू की वजह से पूरा टूट फूट गया, ठीक है। लेकिन बस ये गृहस्थ प्लाजा बचा हुआ है। और भाई ये है हमारा गाजीपुर तिराहा। और गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, मैं इस वाले ब्लॉग में मॉल्स वगैरह नहीं मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं मॉल, जितने भी मऊ के शॉपिंग मॉल्स हैं, वो एक्सप्लोर करूँगा भाई। तुम्हारे भाई शर्ट देख सकते हो कहाँ से बाय किया, मैं अपने सारे कपड़े कहाँ से बाय करता हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा, कम से कम बजट में, अगली वीडियो में, ठीक है। इस वाले वीडियो में नहीं, इस वाले वीडियो में सिर्फ आप लोग ये चेक करो कि अपने मऊ में भाई क्या क्या डेवलप हो गया है। देख सकते हो यार इतने सारे मॉल्स, मेरा तो दिल कर रहा है अभी सारे शॉपिंग मॉल्स एक्सप्लोर कर दूं, लेकिन नहीं गाइस, आज सिर्फ हम लोग अपना वो डेवलप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक बार शूट कर लेते, यार ये फ्लैग 100 फीट ऊपर इतना बड़ा है, मैं क्या ही बताऊँ, देख सकते हो आप लोग। और गाइस ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता अंदर ही चला जाएगा, इधर भी काफ़ी अच्छे अच्छे मॉल्स वगैरह है, लेकिन मतलब वैसी चीज़ नहीं है जो मैं इस वीडियो में दिखाऊं। ये वाला रास्ता वहाँ पे चला जाएगा, जो राइट वाली ब्रिज मैं दिखा रहा था ना, ये वाला रास्ता भाई वहीं चला जाएगा। गाइज अभी हम लोग आ गए भाई सुकून वाली जगह, जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, और मे बी आप लोगों को भी यहाँ पे सुकून मिलता होगा। और ये एक मऊ में मतलब टॉप 10 डेवलप चीज़ों में से भी एक डेवलप चीज़ है, देख सकते हो यहाँ पे 56 भोग आ गया है। यार इतनी तपिश, इतनी गर्मी है ना, शदीद गर्मियों में यहाँ पे आ जाओ ना, तबीयत खुश हो जाती है। और एक चीज़ गाइज, इसके जस्ट बगल में होंडा का शोरूम है, उधर आप लोगों को होंडा का शोरूम नहीं दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे भाई होंडा का शोरूम, ये भी क्लोज है, लेकिन क्लोज से ओपन से हमें क्या मतलब, बस हमें ये दिखाना था कि हाँ ये चीज़ें भाई मऊ में अवेलेबल है। तो भाई होंडा का शोरूम हमारे मऊ में यहाँ पर है, ठीक 56 भोग के बगल में। चलो गाइज 56 भोग के अंदर चलते हैं, कुछ तोड़म फाड़ी भी कर लेते हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है। लेकिन भाई आप अगर एक बात और जान लो, अगर कुछ भी खाना पीना हो भाई 56 भोग, यार मतलब नॉर्मल चीज़ें खा के पानी पीना हो तो भाई 56 भोग में आकर ज़रूर, ज़्यादा एक बात और जान लो, ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है यार, सस्ता ही रहता है, लेकिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा सामान रखते हैं, ताज़ा ताज़ा रखते हैं, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं भाई, AC भी नॉर्मल चलती रहेगी अंदर, मस्त मज़ा आएगा। तो भाई चलो यहाँ से निकलते हैं, फाइनली हम लोगों ने रसमलाई भाई तोड़ ली राउंड 12 वाली। तो इसमें आओगे तो पहले मतलब जहाँ पे मैं कैमरा रखा था काउंटर पे, वहाँ पे मतलब जो भी आप लोगों को खाना रहेगा वो वहाँ से बिल करानी पड़ते, उसके बाद वो बिल जो सामान लेना है उस वाले काउंटर पे जाके वो बिल दे दोगे और मांग लोगे, तो वो बिल चेक करके तुमको दे देगा, सिंपल ईजीली, ओके। तो जब भी आओ भाई 56 भोग में, भाई देखे 56 भोग मुझे पैसे नहीं दे रहा प्रमोशन के, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो गाइस अगले लोकेशन पे चलते हैं, देखते हैं मऊ में और क्या चीज़ें डेवलप हुई है। सो गाइस एक और चीज़ आप लोगों को जो दिखानी थी, हमारे मऊ में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जो कि हमारे मऊ में अवेलेबल है, और काफ़ी बेहतरीन अवेलेबल है, मेरे पीछे देख सकते हो भाई।
गाइज देख सकते हो ये होटल है आरएस पैलेस। गाइज बहुत ही प्यारा होटल है, यहाँ पे आओ आराम से रह सकते हो, तुमको जैसा मन करे मतलब रूम भी मिल सकता है, एसी वाला लग्जरी रूम, जैसा आप लोग अफोर्ड कर सकते हो आप लोग इसमें रुक सकते हो। तो भाई बहुत से क्या 90% लोगों को ये पता मतलब नहीं मालूम है कि हमारे मऊ में भाई होटल है रहने के लिए। तो भाई अगर आप लोगों के घर कोई मतलब फंक्शन है, शादी ब्याह जो भी है, अगर आप लोग अपने घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने गेस्ट लोग को इसमें भाई रख सकते हो। और अगर कोई दूर से ये वीडियो देख रहा है, मऊ की वीडियो, मऊ में आना चाहता है, कुछ दिन रहना चाहता है और उसे रहने का जुगाड़ नहीं मिल रहा है, तो भाई ये देख लो हमारे मऊ में ये है होटल द आरएस पैलेस, ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे तक बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे एक सत्यम हॉस्पिटल है, यहाँ पे थोड़ा सा 20 कदम आगे ठीक उसी के पास है, ठीक है, ये बीटी वाला सीधे रास्ता आता है उसी पे बाएं साइड है द आरएस पैलेस, ओके। तो भाई जो लोगों को नहीं पता था वो लोग जान लो भाई हमारे मऊ में होटल भी है और काफ़ी प्यारा होटल है। ऑल राइट गाइज, सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं घर पे सारा मऊ का जो भी था एक्सप्लोर करके। सो गाइज अभी बहुत सारी जगहें बाकी थी तो मेरा मतलब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, कितनी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं, तो इसीलिए जो मेन चीज़ें थी और जो मुझे अच्छी लग रही थी वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर दी। उसके बाद गाइज अब अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा बेस्ट शॉपिंग मॉल, टॉप 10 शॉपिंग मॉल मऊ में कौन सा है, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि वो वाला वीडियो फटाक से मिल जाए आपको, क्योंकि भाई वहाँ पे मतलब मैं जहाँ से शॉपिंग करता हूँ अपने कपड़े वो उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है गाइज। और फिर आप लोग कमेंट करो या फिर ढाबा रेस्टोरेंट मऊ में कौन सा है, बहुत सारा खुला है, बिरयानी महल भी खुला है, मैं उसमें गया नहीं हूँ, अगर वो कमेंट करोगे तो भाई उसका भी एक वीडियो बना देंगे, बहुत ही बेहतरीन भाई ढाबा खुल गया मऊ में, ठीक है गाइज। सो अगला वीडियो भाई होने वाला है शॉपिंग मॉल का, सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए आप लोगों को फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। ना यासीन बोल दो इसमें। सो गाइज आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो आई विल मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी 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 बेबी। सब्सक्राइब करो जल्दी से, हाथ देख रहे हो कान की जड़ पर मार दूंगा।